Our topic of modal verbs is continues the topic modal verbs topic shuru de, and today we'll try that to talk about three major uses of should. First use of should which gives meaning of chahiye. Po pukhto ke mang wai tala pakar di no mang bas wai you should. Zi yo student ta wem che you should come early. Tala wakti rat lal pakar di da zama rai da zata te yo tajweez da kom. Che tawai che sir I am weak in English, I am weak in grammar and beginner. Zap beginner ke kamzor hai no zata wem che you should come early. आपको वक्त पर आना चाहिए ताला वक्ती रात लल पकार दी नो शुड मींस चाहिए पकार दी इन पुश तो वी से दैट ताला पकार दी नो वी विल से दैट यू शुड ताला पकार दी देयर आर मोर एग्जांपल्स लाइक अगुईला पकार दी चे द टाइम ख्याल साथी नो अगुईला पकार दी नो दे शुड ट्राई टू टेक केयर दे शुड टेक केयर ऑफ टाइम दे शुड प्ले रेगुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट शुड हैव should have आपके पास होना चाहिए ता सारा पकार दे you should have a marker आपके पास एक marker होना चाहिए for example मंग चाहता वही if you are going for the paper you should have a marker you should have a ballpoint you should have a blue marker पकार दे चिता सारा blue marker ही we'll say that you should have a blue marker so should have सारा चिकले verb नहीं नमंग बाद दे माने को पास होना चाहिए you should have ए बाल पॉइंट पकार द चिता सारे यो बाल पिनी यू शुड हैव ए मार्कर पकार द चिता सारा मार्कर ई यू शुड हैव ए मोबाइल फॉर एग्जांपल तासु जेकल क्लास तराजी नो तासु अक्सर द स्टूडेंट मख की मुवेले छ सर मा क्लास कोर की वेले छ माला मोबाइल वाले मोबाइल देर जरूरी दे नो द जुमला छकल ता यूज तासु यूज कोई तासु पकोर की वाई छ और डेली आई गो टू लैंग्वेज क्लास रोजाना लैंग्वेज क्लास तसमा आई शुड हैव अ मोबाइल मेरे पास मोबाइल होना चाहिए पकार द चमा सारा मोबाइल ही हालान के ता सुदा मोबाइल द दी लैंग्वेज द परपसेस द पर यूज कवे न हो कल चता से पकोर के वाय नो ता सो है कि आई शुड हैव अ मोबाइल मेरे पास मोबाइल होना चाहिए नो शुड हैव च कल प यो जुमला के रागले ओ द दी सारा बल वर्ब नो न बे बद दी माने पास होना चाहिए चमा सारा दी ई या दे हवी सारा मोबाइल ई हवी सारा दी बालपिनी जत आसुदा सवेम क्लास यू शुड हैव ए नोटबुक एंड बॉल पॉइंट आपके पास एक बॉल पॉइंट और रजिस्टर और कॉपी होना चाहिए यू शुड हैव ए नोटबुक एंड रजिस्टर आपके पास एक नोटबुक और यू शुड हैव ए नोटबुक एंड ए बॉल पॉइंट आपके पास एक बॉल पॉइंट और एक नोटबुक खामा खा होना चाहिए यू शुड हैव ए नोटबुक आपके पास नोटबुक होना चाहिए पकार दे चिता नोटबुक ही दाजमा रायशवा should have plus verb should have sara chikala verb razi no the verb was sar tar pam razi yara pakar da chimang homework kalewe we should have done homework pakar da chimang homework kalewe we should have done homework pakar da chimang speaking bane practice kalewe we should have practiced on speaking of english dem number bane pakar da chi agui pa wakhra galewe they should have come on time pakar da chi agui homework likalewe they should have written homework so these are some examples should plus past form it shows a suggestion in the present time the tajweez work a rai work a maujooda waqt ki you should come early you should come so you should plus past form this shows a suggestion in the present time da pa maujooda waqt ki ta acha ta rai work ke no ta vele shi you should aapko chahiye second number should have आपके पास होना चाहिए यू शुड हैव ए रजिस्टर पकार दे चिता सारा यो रजिस्ट्री यू शुड हैव बॉल पॉइंट्स आपके पास बॉल पॉइंट्स होना चाहिए पकार दे चिता सो टोल सारा पल यू शुड हैव योर ओन बॉल पॉइंट्स आपके पास अपने बॉल पॉइंट्स होना चाहिए यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास आपको क्लास लेना चाहिए था तल क्लास अगस्तल पकारो यू शुड हैव डन योर होमवर्क ऑन टाइम ता तखपल होमवर्क पटेम बंदी कौल पकारो यू शुड हैव कम टू क्लास अर्ली تا کلاس تا وقتی رات لل پکارو نو دیز ار سم تھری میجر یوزز اف شود آئی ہوپ دیٹ دس مائٹ بی انڈرسٹینڈیبل فار یو